हमने देखा पहले श्रीलंका की टीम जो है 55 पे या 59 पे ऑल आउट हो गई, और अब हमने देखा साउथ अफ्रीका की टीम जो है 89 पे ऑल आउट हो गई। अच्छा, ये दोनों बड़ी मजबूत टीमें थीं। यहाँ पे हमारी कुछ सोर्सेज हमें ये इन्फॉर्म कर रही हैं कि इंडिया जो है उसने, आप समझ लें, धमकाया है प्लेयर्स को, या उन्होंने उनको हनी भी, उनको ना थोड़ी सी ऑफर्स दी हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारी हिसाब से, मतलब बुरा खेलेंगे, मैच हार जाएंगे, तो हम आपको आईपीएल में अच्छे पैसे देंगे, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आईपीएल भी और आपको दूसरी लीग्स में भी खेलने नहीं नहीं देंगे। देंगे। देखिए मुनीब, फिर पाकिस्तान को उन्होंने क्या धमकी दी होगी जब पाकिस्तान वन साइड उनके सामने आउट हुआ था। लेकिन देखिए, आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि बहुत सारी टीमें अंडर परफॉर्म कर रही हैं। श्रीलंका की टीम जो 55 रन पे इंडिया के खिलाफ आउट हुई, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 428 रन के तारतम्य में 350 क्रॉस कर गई थी। इसी तरह साउथ अफ्रीका जो कि पहले बैटिंग करते हुए 350 से ऊपर बनाता है, 400 तक बनाता है, वही साउथ अफ्रीका कल 89 पे आउट हो गया। मतलब यार, व्हाट इज गोइंग ऑन, कुछ एक तो शर्म होती है, सरप्राइज कोई हया होती है। मार्कम सरप्राइज। नहीं चल सके, राशि वर्ण डूसन नहीं चल सके, मतलब अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं। और देखें, इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म जब टीमें करती हैं तो उसपे सवालात खड़े होते हैं। उस पर जिस तरह आपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के सवालात किए, इसी तरह हम भी बहुत सारे सवालात कर सकते हैं, और पूरी दुनिया सवाल करती है। और मुनीब, ये चीजें अगर होती रही तो फिर इस वर्ल्ड कप के ऊपर और ज्यादा सवाल होंगे,